दोस्तों, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में मतदान के लिए पिछले 37 वर्षों से उपयोग की जा रही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम पर हजारों सवाल उठाए जाते रहे हैं। हर हारने वाला राजनीतिक दल, उसके नेता और उम्मीदवार अपनी हार का सीधा और सरल दोष ईवीएम पर लगा देता है। आश्चर्य की बात यह है कि ईवीएम पर सवाल उठाने का यह काम केवल एक पार्टी को छोड़कर कांग्रेस सहित देश की लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां कर चुकी हैं। जिस पार्टी ने ईवीएम पर कभी सवाल नहीं उठाया उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी। ऐसा नहीं है कि यह पार्टी या इसका कोई उम्मीदवार जनता द्वारा चुनावों में कभी हारता नहीं है, परंतु हार के बावजूद भाजपा ने कभी ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल नहीं खड़े किए हैं। ईवीएम पर सवाल उठाने वालों की सूची में देश के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं। इनमें सबसे पहला नाम आता है लोकसभा चुनाव 2019 में चुनाव जीत चुके, देश के सरकार बनाने का सपना देख रहे राजनीतिक दल कांग्रेस और उसके अध्यक्ष राहुल गांधी का। कांग्रेस ने तो ईवीएम को लेकर अमेरिका तक बखेड़ा किया जहां उसके नेता कपिल सिब्बल मौजूद थे। इसके अलावा कांग्रेस के कई दिग्गज नेता, समाज पार्टी के नेता अखिलेश यादव, बहुजन समाज पार्टी की नेता सुश्री मायावती भी ईवीएम पर सवाल उठा चुकी हैं। मायावती ने तो गत 11 अप्रैल को हुए पहले चरण के मतदान के दौरान भी ईवीएम के जरिए भाजपा पर धांधली करने का आरोप लगाने में देर नहीं की। ईवीएम पर सवाल उठाने वालों की सूची में एक नया नाम जुड़ा है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का। तेलुगु देशम पार्टी के सुप्रीमो नायडू ने भी पहले चरण के मतदान में ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर हंगामा मचाया और अपने इस दाव को साबित करने के लिए एक एक्सपर्ट के सहारे ईसी यानी कि इलेक्शन कमीशन से शिकायत की। इसी ने इस एक्सपर्ट का नाम और विवरण की जानकारी नायडू से पहले ही हासिल कर ली और फिर प्रतिनिधिमंडल में के शिकायत करने का आने के लिए कहा। नायडू अपने दावे को सही साबित करने के लिए टीडीपी लीगल सेल के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ ईसी पहुंचे। नायडू ने एक चतुराई यह भी दिखाई कि प्रतिनिधिमंडल में उस एक्सपर्ट को भी शामिल कर लिया। हैदराबाद से ईवीएम पर धब्बा लगाने के पक्के इरादे से दिल्ली आए नायडू को लग रहा था कि वे इस एक्सपर्ट के सहारे चुनाव आयोग के सामने ईवीएम का दूध और पानी का पानी कर देंगे। चंद्रबाबू नायडू ने ईसी से ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत अपने जिस एक्सपर्ट के दम पर की थी। ईसी ने नायडू के प्रतिनिधिमंडल के आने से पहले उस एक्सपर्ट का इतिहास खंगाल डाला और उसका पर्दाफाश हो गया। ईसी के पड़ताल में पता चला कि यह ईवीएम एक्सपर्ट कोई और नहीं बल्कि हैदराबाद निवासी रिसर्चर हरिप्रसाद है, जिसे 2010 में ईवीएम चोरी करने के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। ईसी की प्राथमिक जांच में पता चला कि हरिप्रसाद वही व्यक्ति है जो हमेशा से दावा करता रहा है कि ईवीएम में आसानी से गड़बड़ी की जा सकती है। अपने इसी दावे को साबित करने के लिए उसने एक विदेशी एक्सपर्ट की मदद से 2010 में एक ईवीएम चुराई थी। ईसी को लगा था कि नायडू के प्रतिनिधिमंडल में टीडीपी लीगल सेल से के नेता ही होंगे, परंतु जब ईसी अधिकारियों ने प्रतिनिधिमंडल में हरिप्रसाद को भी देखा तो ईसी का संदेह विश्वास में बदल गया। जैसे ही टीडीपी प्रतिनिधिमंडल चुनाव उपायुक्त तो सुदीप जैन के कार्यालय पहुंचा, ईसी अधिकारियों ने हरिप्रसाद का आपराधिक रिकॉर्ड सामने रख दिया। फिर क्या था, नायडू और टीडीपी प्रतिनिधिमंडल के सदस्य भौचक्के रह गए। इसके बाद नायडू अपने एक्सपर्ट हरिप्रसाद और पूरे प्रतिनिधिमंडल के साथ सुदीप जैन के कार्यालय से बाहर निकल गए और बेआबरू होकर हैदराबाद रवाना हो गए। इस घटनाक्रम से नायडू बेआबरू हुए तो उन्हें बोनस में ईसी की फटकार भी मिली। ईसी ने टीडीपी प्रतिनिधिमंडल के जाने के बाद तुरंत बाद टीडीपी लीगल सेल्स के अध्यक्ष को कड़क शब्दों में पत्र लिखा और पूछा, आखिर नायडू के साथ आए प्रतिनिधिमंडल में एक आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कथित एक्सपर्ट को जगह कैसे मिली? ईवीएम में गड़बड़ी की जाने सकने के अपने दावे को सही साबित करने की कोशिश में यह हरिप्रसाद कई बार मुंह की खा चुका है। वह 2009 से ईवीएम पर सवाल उठाता रहा है। चुनाव आयोग ने 2009 में हैकथॉन कार्यक्रम आयोजित किया था, इसमें भी हरिप्रसाद ने भाग लिया, परंतु वह सिद्ध नहीं कर सका कि ईवीएम को हैक या टेम्पर किया जा सकता है। 2010 में हरिप्रसाद को ईवीएम की चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया, फिलहाल वह जमानत पर है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या सच में ईवीएम को हैक किया जा सकता है और 2014 के चुनाव में बीजेपी सरकार ईवीएम हैक करके ही जीती थी या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कैसे मिली ईवीएम में गड़बड़ी की जाने सकने के अपने दावे को सही साबित करने की कोशिश में यह हरिप्रसाद कई बार मुंह की खा चुका है। वह 2009 से ईवीएम पर सवाल उठाता रहा है। चुनाव आयोग ने 2009 में हैकथॉन कार्यक्रम आयोजित किया था, इसमें भी हरिप्रसाद ने भाग लिया, परंतु वह सिद्ध नहीं कर सका कि ईवीएम को हैक या टेम्पर किया जा सकता है। 2010 में हरिप्रसाद को ईवीएम की चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया, फिलहाल वह जमानत पर है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या सच में ईवीएम को हैक किया जा सकता है और 2014 के चुनाव में बीजेपी सरकार ईवीएम हैक करके ही जीती थी या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे भी ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बजाना ना भूलें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।